विश्व हिंदू परिषद महू जिला के द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर महू जन्मस्थली पर माल्यार्पण करने के पश्चात विशाल वाहन रैली निकालकर महू तहसील में ज्ञापन दिया गया। एसडीएम कार्यालय पर तहसीलदार तपेश पांडे को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के पूर्व विहिप द्वारा ज्ञापन का वाचन किया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए भारतीय ग्रंथ संविधान की मूल प्रति जन्मस्थली पर रखी जाए। भारत विरोधी ताकतें भारत को जाति भाषा धर्म के नाम पर पाटना चाहती है। ऐसे में बाबा साहेब का धर्म ग्रंथ संविधान उपलब्ध कराया जाए जो कि भारत को संगठित बनाए रखने में ऐतिहासिक कार्य साबित हो। आज रैली निकालकर ज्ञापन सौंपने का मूल उद्देश्य था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में। बाबा साहब का जो मूल ग्रंथ की कॉपी है संविधान की, वो महू शहर संपूर्ण भारतवर्ष के साथ विश्व की धरोहर बन चुका है, तो वहाँ पर उस कॉपी का होना अति आवश्यक है। इस कारण आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से यह रैली निकालकर और प्रथम चरण में ज्ञापन सौंपा गया ताकि भविष्य में संविधान की कॉपी अंबेडकर संस्थान में रखी जाए। इस दौरान मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सूफी संत स्वामी अरुणानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर रामेशानंद जी महाराज, स्वामी अमृतानंद महाराज जी, पीठाधीश्वर योगी राकेशनाथ जी, प्रांत सह संयोजक नितिन जी पाटीदार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। महू से दोपहर न्यूज के लिए रवि धीमान की रिपोर्ट।